वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन और वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड वेरी वेरी सॉरी भाई इतना लंबा गैप हो गया। तो मेरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मुझे भी एग्ज़ाम्स देने होते हैं, मेरी भी पढ़ाई चल रही है यार, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं कल ही आई हूँ भोपाल से सीहोर और ये हमारे घर का नींबू टूट के गिर गया। तो ये कल मैं भोपाल से सीहोर आई हूँ और आज हम फिर भोपाल गए थे जस्ट बिकॉज हम लोग को कुछ काम था और हम लेने गए थे, बताती हूँ क्या लेने गए थे। तो हम बेसिकली गए थे ये रोप लेने, रोप या बेल्ट जो भी बोलो इसको। तो हम इससे बनवाने वाले हैं ये। तो ये जो है ये थोड़ा गलत बन गया था, तो अब हम दो कॉम्बिनेशंस में बनवाने वाले हैं और इसके लिए हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव जो कि सीहोर से थोड़ी ही दूर है, समथिंग 20 किलोमीटर, जिसका नाम है मुस्करा। और वहाँ हमें मिलेंगे हमारे प्रिय मामा श्री, वो ये बनवाने वाले हैं, उनसे भी हम आपको जल्दी मिलवाएंगे। और बेचारा कि आज सुबह से अकेला था, हम उसे छोड़ के भोपाल चले गए थे, तो वो भी हमारे साथ जा रहा है, उसको तो राइड्स बहुत पसंद है। एंजॉयमेंट चल रहा है मम्मी का। मम्मी अपनी नानी के यहाँ जा रही है और मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ। मम्मी यार ये कौन मम्मी तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे और मामा मिल गए हैं हमको फाइनली। शॉप तो बंद थी तो फिर हम आ गए घर पे और सामान दे दिया है। अब मामा से पूछते हैं कि वो हमें कब तक बना के दे देंगे। वो मामा ये रहे। और मामा कब तक बनेंगे हमारे स्टूल? 3-4 दिन में बना के दे देंगे। कितने दिन में? 3-4 दिन। थोड़ा जल्दी करवा दो यार, फिर 8 दिन लगेंगे, आप जल्दी बोलोगे। तो मामा से अब हम मिलेंगे 3 दिन बाद। मामा हमें मिलने वाले हैं अब 3 दिन बाद। हम 3 दिन बाद आएंगे और मामा से ले लेंगे अपने स्टूल, देखेंगे कैसे बनेंगे। तब तक के लिए मामा को कर देंगे बाय बाय बाय। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और स्टूल्स हमने दे दिए हैं बनने के लिए। अब पता नहीं है कि वो अभी कैसे लगने वाले हैं, बनने के बाद कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा। सो वो तो बनने के बाद ही पता चलने वाला है, तो तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कल मैं कहीं घूमने जाने का सोच रही हूँ, तो बेसिकली मैं अपने 2 भाइयों के साथ कहीं घूमने जाने वाली हूँ। मेरी बात हुई है उन लोगों से एंड कल हम कहाँ जाने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। अभी कंफर्म नहीं है कि हम जा रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जा रहे हैं। अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज कार से नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं बाइक से। और हम लोग जा रहे हैं एक डैम। अब वहीं पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। बाकी मेरे साथ 2 लोग और जा रहे हैं, उनको भी मैं आपसे मिलाती हूँ। भैया गुड मॉर्निंग। ये आधे नींद में जा रहे हैं और ये तो नींद में ही है, ये तो अभी तक उठा ही नहीं। गए हैं यहाँ पे भगवानपुरा डैम। और हेलमेट निकालने के बाद मुझे पता चला कि ये देखो मेरे को निशान हो गए हैं। खैर पानी थोड़ा कम है पर अच्छा है, सुबह सुबह ठंडी हवा खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मस्त प्लेस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है भैया? वो इंडस्ट्रियल एरिया है क्या? हाँ। यहाँ इतना घूम के क्यों आए हो? रास्ता तो बहुत ही खतरनाक था भाई, पूरी ऑफ रोडिंग होगी आज दुनिया भर की, पहली बार मैंने ऑफ रोडिंग करी है। मजे आ गए। पर यहाँ पे कुत्ते बहुत ही खराब है यार, आ जाते हैं ऐसे भर भर करके। चलो हम थोड़ा मस्ती करेंगे, उसके आदत से मिलते हैं। ये देखो कौन सी चर्चा में जा रहे हैं दोनों, पता नहीं। और ये है जामुन का पेड़, और जामुन पड़ी हुई है इतनी सारी। वो देखो कितनी सारी जामुन लग रही है।